आपको बहुत अच्छे से होंगे और इन्जॉय करते होंगे मेरी रेसिपीज़ को। प्लीज़ ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे कॉमेंट्स में बताया करें कि इसका आपका रिजल्ट कैसा आया। और आप लोग मुझसे अपनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर पूरी करूँगी। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने फरमाइश की थी, तो आज उनकी ही फरमाइश पूरी करने जा रही हूँ। और ये प्योर वेजिटेरियन रेसिपी है, इसका नाम है पालक पनीर। और पालक पनीर इतनी अच्छी लगती है, इंडिया पाकिस्तान में सबको पसंद आती है, मतलब मोस्ट फेवरेट डिश है। सो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो हियर आर द इंग्रेडिएंट्स, चल मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। ये है स्पिनिश, मैंने लिए 350 ग्राम ऑफ स्पिनिश, दिस आर द बेबी स्पिनिश। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है, ठीक है। इसमें फिर जाएगा यहाँ पे अनियन, ये मैंने ली है 1 लार्ज अनियन। ये अनियन को मैंने यहाँ पे ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। और इसमें थोड़ा सा वाटर लिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कुकिंग ऑयल 1/4 कप, लेकिन मैं यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में यूज़ करी कोकोनट ऑयल, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। इफ़ यू वांट टू यूज़ वेजिटेबल ऑयल और एनी ऑयल यू आर यूजिंग यू कैन यूज़, राइट। यहाँ पे जाएगी थिकेंड क्रीम 2 टेबल स्पून, ये है ड्राई फेनुग्रीक, मेथी जो होती है ड्राई, ये जाएगी 2 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, ठीक है। ये पनीर को इस तरह से हमने क्यूब्स में डाल दिया है। अच्छा, ये जाएगा यहाँ पे टोमेटो पेस्ट 1/2 कप, इसके स्पाइसेस जाएंगे सॉल्ट 2 टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/4, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1/1 टीस्पून भर के, क्यूमिन सीड 1 टीस्पून भर के, और यहाँ पे ये जाएगा गरम मसाला 1.5 टीस्पून, और यहाँ पे हम बटर लेंगे, ये समझ लें 1/4 टेबल स्पून हो जाएगा जब इसको हम मेल्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 to 4 टेबल स्पून इसको हम यहाँ पे लेंगे, और वाटर जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी एज नीडेड। सो ये इसके कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे जो कि हम यूज़ करेंगे आज अपनी पालक पनीर की रेसिपी में। तो चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो पालक है ना स्पेनिश, इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्लांच करेंगे। एंड व्हाट इज़ ब्लांचिंग? ब्लांचिंग इज़ द सिंपल प्रोसेस, हमें इसको पानी में डालेंगे, उबलते हुए पानी में डाल के मिक्स करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। तो चले हम अपने स्टोव की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो मैंने पनीर लिया है वो है 225 ग्राम्स ऑफ पनीर, ठीक है। चले अब हम इसको ब्लांच करते हैं अपने स्पेनिश को। देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था एक पैन में, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें बॉयल आ रहा है। तो जब ये बॉयल होना शुरू होगा ना, एट दिस स्टेज वी नीड टू पुट अवर स्पिनिश इन इट एंड जस्ट ब्लांच इट। मैं इसमें ये सारी डालती हूँ, इसको जस्ट मिक्स करके और फिर निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने पालक को इसमें बॉयल जो था ना पानी बॉयलिंग वाटर में डाला था, और ये बिल्कुल इस टाइम पे इसका कलर बिल्कुल अच्छे से और निखर के आ गया, देखें ग्रीनिश हो गया। इससे क्या होता है ब्लांचिंग से कि पालक को जब हम ग्राइंड करेंगे तो इसका कलर जो है ना वो काला नहीं पड़ेगा, ठीक है, ब्लैकिश नहीं होगा। बस अब हम इसको इस तरह से निकाल के ब्लेंडर में डालेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देखिए मैंने जो स्पिनिश थे इसको ब्लेंड कर लिया इस तरह से, उसमें हल्का सा पानी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप डाल लीजिएगा, ठीक है। इसको ब्लेंड कर लिया। चलें अब मैंने इधर एक पैन में कुकिंग ऑयल को डाल दिया है, और इसके साथ अब मैं इसमें डालूंगी अपना बटर, ठीक है। तो ये बटर भी जा रहा है, अब जब ये मेल्ट होगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्यूमिन। चलें जब तक ये बटर मेल्ट होता है वी हैव टू वेट। ये देखिए पूरा मेल्ट हो गया है बटर, इसमें आप इसमें डालेंगे क्यूमिन सी, और इसको हम थोड़े से सा सॉटे करेंगे ताकि ये कलर चेंज हो जाए इसका, ठीक है जी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया था क्यूमिन सीड, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको थोड़ी सी देर सॉटे करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो और इसकी अच्छी सी स्मेल आ जाए। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे अनियन पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया है, इसको फिर से मिक्स करते हैं और 1 सेकेंड तक इसको इस तरह से पकाते हैं। और ख्याल रखिएगा क्योंकि डांसिंग शो बहुत करते हैं जिंजर गार्लिक, तो बी केयरफुल। देखिए लहसुन अदरक और क्यूमिन अच्छे से घुल मिल गए हैं, अब इसमें हमने डाल देंगे अनियन पेस्ट जो हमने बनाया था, ठीक है, 1 लार्ज अनियन इसको डालते हैं। अच्छा, अब इसको डालने के बाद हमें वेट करना होगा एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स, क्योंकि ये अनियन है तो अनियन की बिल्कुल भी स्मेल जो कच्चापन होता है वो नहीं आना चाहिए। इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट अनियन अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलें इसको हम 3-4 मिनट्स तक पकाते हैं। प्लीज़ देखिए ये 3 to 4 मिनट्स हो गए थे मैंने अनियन को डाले हुए, इसको बहुत अच्छे से स्मेल आ रही है, उस तरह से बबल्स आ रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपना ये टमाटो पेस्ट, ठीक है। इस स्टेज पे हम डालेंगे अपना ये टमाटो पेस्ट और इसको अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से इसके साथ भूनेंगे तकरीबन 2 मिनट्स तक, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिक्स करती हूँ और इसको मैं अच्छे से भूनती हूँ। ठीक है, तो मैंने अनियन और टमाटो पेस्ट डाल दिया था जीरे के साथ और ये अच्छे से इस तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें अपना रिमेनिंग स्पाइसेस डालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जाएगा सॉल्ट, ठीक है, ये चला गया, रेड चिली पाउडर ये चला गया, टर्मेरिक पाउडर, हल्दी ये चली गई इसमें, और ये गरम मसाला पाउडर, ठीक है। इसको डाल के अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून वाटर जाएगा। तो फिर हम इसका प्रोसीजर देखते हैं आगे का।
फिर देखिए से सारे स्टैक पे डाल दिए, सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी डाल के इसको फिर एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा और ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमने अपने स्पेनिश को ब्लेंड किया था ना, इसको हम डाल देंगे। ठीक है, चलो मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। देखिए मैंने इसमें स्पिनिश डाल दी थी, अच्छे से मिक्स हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये ब्लेंडर में जितना भी स्पिनिश बचा हुआ है ना, उसमें हल्का सा पानी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा, कि आपकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छे से बन जाएगी। देखिए बस ये इसको डाल दें मैंने पानी को। अब इसको फिर हम मिक्स करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे, एटलीस्ट 10 मिनट्स लगेंगे और ये हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर हम इसमें अपने जो पनीर के क्यूब्स है वो डालेंगे, ड्राई फेनुग्रीक डालेंगे और फ्रेश ग्रीक डालेंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको 10 मिनट्स के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देती हूँ, मिलती हूँ 10 मिनट्स के बाद। जी व्यूअर्स, देखिए ये अच्छे से पालक पक गई है और ये इस स्टेज पे मैंने इसको टेस्ट भी किया था, बहुत ज़बरदस्त सा इसका मज़ा है, इट्स सो यमी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो पनीर के क्यूब्स थे वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो पनीर को क्या करते हैं, फ्राई कर लेते हैं तो वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं, बट मैं नहीं यूज़ करती, मतलब फ्राई नहीं करती हूँ, जस्ट ऐसे ही इसको क्यूब्स में डाल। ये देखिए अब इसमें मैंने पनीर डाल दिया है, तुम तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हो। ये देखिए इसमें मैंने पनीर डाल दिया है, ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको डाल के, पनीर को डाल के पकाना तो होता नहीं, बिकॉज पनीर इज़ ऑलरेडी कुक। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे पनीर को ना वो तलते हैं, यानी कि फ्राई कर लेते हैं उसको गोल्डन कलर कर लेते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में हमें इसी तरह से ही मिलती है पनीर। बस देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अच्छा, पनीर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये अपनी ड्राई फेनुग्रीक। ड्राई फेनुग्रीक को मैंने धो लिया था और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। हमेशा याद रखें, जब भी आप ड्राई फेनुग्रीक को यूज़ करेंगे ना, उसको आप अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि उसमें अंदर ना मिट्टी आती है, अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो मिट्टी आपके उसमें आ जाएगी खाने में, और फिर वो सारा खाना आपका बेड़ा गर्क। ठीक है, सो ऑलवेज वॉश द ड्राई फेनुग्रीक एंड देन एड इन योर फूड। ये हो गया जनाब, अब लास्ट हम क्या डालेंगे इसमें, फ्रेश क्रीम को, ठीक है, और फ्रेश क्रीम हम डालेंगे चूल्हा बंद करके, वरना वो फट जाती है। चलिए अब मैं स्टोव को ऑफ करती हूँ, इसमें फ्रेश क्रीम डालती हूँ और फिर इसको सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने इसका स्टोव बंद कर दिया है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, पनीर भी डाल दिया है, हर चीज़। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ क्रीम, वैसे इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, बट आप इसको 2 से 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी क्रीम जाएगी उतना ही ये डिलीशियस लगता है, ठीक है, और आपकी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें क्रीम डाल दी है और ये हमेशा एंड में डालेंगे चूल्हा बंद करके, क्योंकि क्रीम फट जाती है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मैं इसको अब करूँगी सर्व और फिर दिखाती हूँ आपको सर्व करके। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने इसको पालक पनीर को निकाल दिया है, ये इसका फाइनल लुक है। ओ माय गॉड, इस लुक सो यमी, सो टेम्पटिंग। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसको आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इट्स अप टू यू। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक और अच्छी ईजी क्विक रेसिपी में, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।